नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको सिखाने जा रहे हैं कि लैपटॉप में और इस कंप्यूटर के अंदर इस सीडी और डीवीडी का कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे ये रीड करता है, सारी चीजें। अगर आपको नहीं आता है, इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपको गाइड करूंगा कैसे बताऊंगा कैसे यूज करते हैं। उसके पहले चैनल पहली बार आए हुए हैं, कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा, जब भी कोई नया वीडियो बनेगा तो आपको पहुंच जाएगा। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। ये दोस्तों मेरे पास ये लैपटॉप है और इसके अंदर भी डीवीडी लग जाएगा, सीडी लग जाएगा और मेरे पास ये डेस्कटॉप है, ये बनने के लिए आया हुआ था और इसके अंदर भी सीडी और डीवीडी लग जाएगा। तो सबसे पहले हम लैपटॉप से स्टार्ट कर लेते हैं, नहीं चलिए पहले हम कंप्यूटर स्टार्ट कर लेते हैं। लैपटॉप के बारे से हम करके हटा देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है दोस्तों, लैपटॉप को हटा देते हैं। देखिए ये हमारे पास कंप्यूटर है, ये इसके अंदर देखिए, ये देखिए ये सीपीयू है, सीपीयू के अंदर ये एक राइटर लगा हुआ है, लेकिन ये राइटर खराब है, ये काम नहीं कर रहा है, तो इसके जगह मैंने एक अलग से राइटर ऊपरी लगा दिया है और इसके अंदर सीडी और डीवीडी डाल के रीड करवा रहा हूँ। देख सकते हैं पहले इसका लुक देख लीजिए कैसा दिखता है, ये देखिए ऊपर से देखिए ये लुक है ये, और इसको यहाँ बटन दिया होता है, देखिए ये बटन दिया ना, इसको प्रेस करेंगे तो इसका जो है ट्रे जो है खुल जाएगा आगे। ये मैंने प्रेस किया, देखिए ट्रे खुल गया है और यहाँ पर सीडी और डीवीडी लगाने के लिए जगह दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो हमारे पास देखिए ये सीडी और डीवीडी है, ये देखिए दो है, ये डीवीडी है, तो देख सकते हैं एक साइड इसका एक व्हाइट कलर का है और एक साइड चमकीला टाइप का है, ये दिख रहा ना, ये तो चमकीला वाला जो होता है वो नीचे लगाते हैं, ये देखिए एकदम साइज का जो ट्रे होता है उसी प्रकार से ऐसे रखेंगे, ये देखिए एकदम बैठ गया, ये बैठ गया ना, ये लगाने के बाद ऐसे करते हैं। और या चाहते हैं कि आपका छोटा वाला पड़ा हुआ तो देखिए छोटे वाले के लिए भी एक अलग से दिए छोटा सा गोल दिया रहता है, मतलब छोटा ये बड़ा यहाँ लग सकता है, यहाँ पे लगेगा। और अगर छोटा सीडी डीवीडी आपका पड़ा हुआ तो देखिए सिंपल तरीके से ये भी इसमें बैठ गया ना दोनों, ये ऐसे करके रीड कर सकते हैं। अब इसमें डालने के बाद में आपको क्या करना, नीचे बटन दिया हुआ सिंपल तरीके इसको आप दबा देना है, ठीक है, ये दबा देंगे, देखिए ये अंदर चला गया। अब डालने के बाद में इसमें लेंस होता है और यहाँ एक लाइट होती है, देखिए दिख रहा है आपको लाइट ने, ये लाइट से ये इसको रीड करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है दोस्तों, सी डी डीवीडी रीड कर लेता है। और उसके बाद फिर आते हैं, जब यहाँ डाल दिया हमने, उसके बाद हम आएंगे अपने इस कंप्यूटर में, देखिए कंप्यूटर में आ जाएंगे और कंप्यूटर के अंदर देखिए दिया हुआ है माई, दिख रहा है ना कंप्यूटर, दिख रहा है यहाँ पे, देखिए कंप्यूटर दिख रहा है, इसी के अंदर सीडी होता है, वरना बाय डिफॉल्ट जो है ऑटोमेटिक सीडी ऑटो रन सीडी होगा तो ऑटोमेटिक रन कर जाएगा। ये देखिए ऑटोमेटिक ये विंडो खोल के आ गया, लेकिन हम यहाँ से नहीं खोलेंगे, हम इसको बंद कर देते हैं यहाँ से माउस से। देखिए ये हमने जो है माई कंप्यूटर दिख रहा आपको है, इसको हम खोलते हैं, देखिए इसको खोल दिया हमने, और खोलने के बाद में देखिए इतना सिग्नल यहाँ पर आ रहा है, ग्यारह ना चार, ये इसमें दिख रहा है सी ड्राइव कंप्यूटर का, ये डी ड्राइव वीडियो, इसके अलावा देखिए यहाँ दिख रहा है एक डिवाइस विथ रिमूवेबल स्टोरेज, ये देखिए लिख रहा है डीवीडी आर डब्ल्यू ड्राइव, देख रहा है इसमें बता रहा है कि आपकी इतनी एमबी की फाइल आपने डाल दिया है वो सीडी, ठीक है देख रहा ना ये। अब इसको खोलना अगर है तो डबल क्लिक करेंगे ऑटो रन कर जाएगा, या तो माउस का राइट क्लिक करिए, देखिए इसको जो है राइट क्लिक करेंगे ओपन लिख के आ रहा है, ओपन डब क्लिक कर दीजिए, ओपन क्लिक है, अब बता रहा है कि इस सीडी के अंदर ये फाइलें पड़ी हुई हैं, अब इसके कॉपी करना पेस्ट करना जो भी करना कर सकते हैं, ये तो क्या छोटी सीडी हो गई है। अब मान लीजिए मुझको जो है ये सीडी को बाहर निकालना है, ठीक है, जो सीडी लगा रखा है, याद रखिए मेरे पास ये ऑप्शन दिया हुआ है, डायरेक्टली मैं इस बटन को दबा दूंगा तो वो सीडी बाहर निकल जाएगा, या एक ऑप्शन इस कंप्यूटर में भी होता है, मान लीजिए कि आपको अगर सीडी को बाहर निकालना, देखिए इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ दिया एजेक्ट दिया हुआ है, ठीक है ना, एजेक्ट इस पर मैं क्लिक करूंगा, देखिए इस पर क्लिक करता हूँ मैं, ये इस पर क्लिक कर दिया, और देखिए क्लिक करने बाद देखिए ऑटोमेटिक यहाँ आइए, देखिए ट्रे ऑटोमेटिक बाहर निकलेगा, ये ठीक है ना, ये मैंने वहां प्रेस किया और प्रेस करने बाद में, और देखिए ये सीडी बाहर निकल गया। जब सीडी बाहर निकल गया इसका मतलब देखिए अब यहाँ दिखा रहा है, इसको चेक करेंगे आप तो यहाँ पे आ गया खाली हो गया है, जो दिखा रहा था 82 MB की फाइल दिखा रहा था ये खाली हो चुकी है, क्लियर है, समझ चुके हैं ये तरीके से है। और देखिए एक ऑप्शन ये दिया हुआ कि अब हमें रीड करना बड़ी सीडी डीवीडी रीड करना है, तो सिंपल इसको हम निकाल लेंगे, निकालने के बाद में और फिर दोबारा जो चाहेंगे इसको मैं यहाँ पे ऐसे करके रख देंगे, और रखने के बाद में यहाँ देखिए बटन नीचे दिया हुआ, इसको हम ऐसे दबा देंगे, यहाँ से बटन दबा देंगे तो ऑटोमेटिक बटन लेने के बाद में देखिए सीडी अंदर चला गया ना। अब इसके अंदर मूवी है सीडी के अंदर, डीवीडी के अंदर, या आपका कुछ फोटो है, कुछ भी पड़ा हुआ डेटा पड़ा हुआ है, उसको आप सिंपल तरीके से, अब देखिए ये रीड करने के बाद में अभी इसके अंदर देखिए ये फाइल आ जाएगी, डीवीडी ड्राइव भी कह रहा है ना, ब्लैंक दिख रहा है अभी ये इसका लेंस रीड कर रहा है डीवीडी सीडी का, और रीड करने के बाद में आपका अगर फाइल देखिए रीड करके आ गया, ठीक है ना, ये ऑटोमेटिक जो है ये खुल के आ गया। अब खोलना मुझे क्या है, फाइल के अंदर पड़ा हुआ है तो इस पर ओपन कर सकता हूँ, या मैं करके इसको जो है सिंपल तरीके से यहाँ से ये दिया हुआ राइट क्लिक करके ओपन करेंगे तो बता रहा है इसके अंदर एक डेटा फोल्डर पड़ा हुआ है, इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं खोलेंगे तो ये इसके अंदर मिल जाएंगी आपको, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से डीवीडी और सीडी अपने तो कंप्यूटर में लगा सकते हैं, ये हमारा खराब, अब देखिए दिखाता हूँ मैं कैसे कनेक्टेड होता है, ये सिंपल तरीके से देखिए यहाँ से दो तार इसमें लगा हुआ है, एक लगा हुआ पावर केबल जो इसको 12 वोल्ट कनेक्शन देता है, और एक दिया हुआ ये वाला ब्लैक वाला, ये बता रहा है कि स्टोरेज मतलब डेटा इसे ट्रांसफर होता है,
दो तार से कनेक्टेड है और ये आपका लगा हुआ। अब बहुत सारे कंप्यूटर में ये लगा नहीं आता, लेकिन आपको सिखा रहा था मैं, ये जान गई तरीके से। ये कंप्यूटर का डीवीडी ड्राइव है दोस्तों, समझ चुके हैं आप ना, इस तरीके से इसको निकालते हैं। देखिए इसमें इस डीवीडी ड्राइव के अंदर एक छोटा सा पिन दिया हुआ है, या ये पास देखिए पिन दिया हुआ है ये। इनकेस मान लीजिए बटन खराब हो जाए आपका, ये बटन खराब हो जाए, बटन खराब होने के बाद में आपका सीडी ना निकले, तो यहाँ एक पिन दिया होता है। इस पिन के अंदर आप उस पिन को डाल देंगे, मतलब इस छेद के अंदर जो है पिन को डाल देंगे और ऑटोमेटिक जो है बिना ये दबाए ही आपका जो है ट्रे बाहर निकल आएगा। क्लियर है ना, पिन इसके लिए दिया रहता है। तो ये हो गया। अब आते हैं लैपटॉप के ऊपर की देखिए कैसे ये बटन दबाने ऑटोमेटिक काम कर रहा था, लेकिन अब लैपटॉप लेकर आता हूँ और दिखाता हूँ लैपटॉप में कैसे काम करता है। ठीक है दोस्तों, देखिए लैपटॉप है ये, ठीक है ना आपको लैपटॉप। अब लैपटॉप के अंदर भी देखिए ये राइटर दिया हुआ है, ये उधर कितना बड़ा था और इधर कितना छोटा दिया। अब इसमें क्या होता है ना कि इसमें जब दबाएंगे बटन दबाएंगे आप है, तो दबाने के बाद में ये हल्का सा खुलता है, फिर इसको हाथ से खींचना पड़ता है तभी खुलता है। जैसे कंप्यूटर पूरा ट्रे बाहर निकल जा रहा था, इसमें ऐसे निकलेगा, अभी निकल गया यहाँ लग के। अब इसमें भी हमको जो है अगर छोटा सीडी लगाना है तो लगा सकते हैं, अगर बड़ा सीडी लगाना, छोटा सीडी लगाएंगे तो आपको बीच में देखिए जो लिखा हुआ पार्ट होता है ना, लिखा हुआ पार्ट जैसे लिखा हुआ यूएसबी अडैप्टर, ऐसा नहीं लगाएंगे उल्टा लगा देंगे, जो ये वाला चीज़ चमकीला वाला पार्ट होता है इसको हम नीचे लगाएंगे यहाँ पर, इसको ऐसे लगा कर और इसको बीचों बीच में रख करके लैपटॉप वाले में यहाँ दबाना पड़ता है। ठीक है देखिए हल्का सा, आप नए होंगे तो दबाना दिक्कत होगा, तो देखिए एकदम नाप जो है ना साइज का सेम होता है, यहाँ रख के इसको हल्का सा टेढ़ा करके इसको कैसे दबा देंगे, देखिए ये घूम रहा है मतलब कि लग गया है। इसी प्रकार से अगर आप चाहते हैं बड़ा डीवीडी लगाना तो सिंपल तरीके से लिखा वाला पार्ट ऊपर रहेगा और नीचे जो है पार्ट, क्योंकि डेटा देखिए जो डेटा दिख रहा है आपका ना ये पूरा इसी में राइट हुआ रहता है, कि जो भी फाइल है, जो भी फोटो है, जो वीडियो है, सारी चीज़ें यहाँ राइट होती हैं, तो इसी को रीड करता है। यहाँ देखिए लेंस दिया हुआ है, लेंस ये इसी लेंस के माध्यम से आपका जो है रीड करता है। तो हम यहाँ ऐसे डाल दिए इसको, हमने यहाँ डालने के बाद में इसको हमने इसे दबा दिया, दबा घुमा दिया। अब क्या करना पड़ता है, इसमें दबाना पड़ता है, ठीक है यहाँ पे दबाना पड़ता है, दबा देंगे तो देखिए दब गया ये, दबने बाद में अब ये चला गया। अब खोलते हैं इसी लैपटॉप के अंदर, देखिए दिया हुआ आपका होगा दिस पीसी, दिख रहा ना दिस पीसी दिख रहा है, इसको खोलना होगा और इसी में चेक करना पड़ा जो डीवीडी सीडी है आपका। देखिए इसको हम खोल लेते हैं, खोल लिया हमने, ये खोलने के बाद में देखिए ये सी ड्राइव दिया, डी ड्राइव दिया हुआ है और इसके बाद में आपका फाइल आ गया 3.8 GB। इसको खोलना क्या पड़ा उसके अंदर हमको देखना, अगर है तो राइट क्लिक करेंगे हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद देखिए इसमें एक न्यू फोल्डर आ गया, क्लियर है ना। अब देखिए सीडी को निकाल दूंगा तो अभी फोल्डर गायब हो जाएगा। अभी कुछ समय देखिएगा, मान लीजिए कि अभी आपको दिख रहा है इसके अंदर जो कुछ फाइलें दिख रही हैं, डीवीडी बना हुआ, साइन बना हुआ है, और देखिए मैं इस बटन को यहाँ से दबा देता हूँ, जैसे बटन को यहाँ दबाऊंगा तो वहाँ से ये फाइलें गायब हो जाएंगी। देखिए अभी आप गायब हो गया ना, इसका मतलब कि ये सीडी बाहर निकल आया है, तो जब डेटा था वहाँ ऐड नहीं कर पाएगा। तो इस राइटर का अगर लेंस खराब अगर होगा तब भी जो है आपका सीडी डीवीडी रीड नहीं कर पाएगा, या बहुत ज़्यादा स्क्रैच पड़ा होगा इसके ऊपर अगर, तब भी जो है रीड नहीं कर पाएगा। तो ये बड़ा वाला हो गया लैपटॉप में, इनकेस आपको छोटा लगाना है, क्योंकि देखिए आज के डेट में बहुत सारे ड्राइवर जो है ना छोटे सीडी के अंदर आते हैं, तो इसको लगाना अगर होगा सिंपल, यहाँ इसको लगाएंगे हम, यहाँ पे लगाने के बाद में दबा देंगे और देखिए खाली आ रहा ना ये अभी, तो इसको लगाने वैसे दबा देंगे और देखिए ये जो है अभी कुछ देर में इसका डेटा यहाँ से सीडी वाला उठा लेगा, फिर यहाँ से आप कॉपी इसका देखिए रीड करता है। लेंस लगता है तो कुछ समय लगता है, अगर लेंस पुराना अगर हो गया तो ज़्यादा टाइम लेगा, नया लेंस हो गया देखिए फिर फुल के आ गया। ठीक है ना, ये 82 MB की फाइल है, इसको ओपन करने वाला नाल इसकी कोई फाइल पड़ी हुई है तो इसके ऊपर राइट क्लिक कर दीजिए और इसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने बाद में कोई फाइल पड़ी है, मान लीजिए वाली फाइल है, इसको कॉपी करना है, राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करने बाद में यहाँ कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने बाद में देखिए कॉपी हो गया ये, और कॉपी होने के बाद में अगर आप चाहते हैं डेस्कटॉप इसको पेस्ट करना, सिंपल तरीके से डेस्कटॉप इसको आप ऐसे पेस्ट कर दीजिए तो सीडी से उठ के देखिए फाइल अब जो है कंप्यूटर माना स्टार्ट हो चुका, कितना सिंपल है ना। तो अब मुझे लगता है कि आपको लैपटॉप में कंप्यूटर में सीडी और डीवीडी रीड करने वाले मिल जाएगा, तो सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं। तो इसी सीडी के अंदर जो है ना मूवी भी होता है, इसी सीडी के अंदर फोटोज भी होता है, फाइल भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अब दिन पे दिन ये जो है ख़त्म हो रहा है, मतलब मार्केट से गायब हो रहा, क्योंकि अब पेनड्राइव ने जो है इसका समय जगह ले लिया है, पेनड्राइव हो गया आपका और उसके बाद जो है मेमोरी कार्ड वो सब ले लिया, क्योंकि इसकी कैपेसिटी होती है ना जो ये आपका सीडी ये डीवीडी दिख रहा है, इसकी कैपेसिटी दिखी दिखाया हुआ है 4.7 GB का, दिख रहा है ना 4.7 GB का। अब जो पेनड्राइव मिलता है आपका वो आपको मिलेगा 8 GB का, 16 GB का, 32 GB का, 64 GB का। अगर आप 64 GB का पेनड्राइव ले ली, छोटी छोटा सा पेनड्राइव होता है लेकिन कितना डेटा रख लेगा। तो ये सीडी अब दिन पे दिन इसमें चांसेस होता है स्क्रैच पड़ जाता है, इसलिए अब लोग इसको धीरे बंद कर रहे हैं। अब लोग जो नॉर्मली जो है पेनड्राइव यूज़ करते हैं, जो कि अपने इस लैपटॉप के अंदर यूएसबी पोर्ट में लग जाता है, यहाँ पर लग के डेटा फाइल लोग यूज़ करते रहते हैं। तो अब मुझे लगता है कि इसके बारे में आप अच्छे सीख गए होंगे कि कैसे लैपटॉप में सीडी डीवीडी लगाते हैं, जैसे कंप्यूटर में सीडी डीवीडी लगाते हैं, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अगर कुछ समझदार होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछेगा, मैं प्रयास करूंगा कि आपके सवाल का जवाब दे दूँ
और आपको मैं सेटिस्फाइड कर दूं और आपको मैं खुश कर दूं। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे किसी एपिसोड में किसी अगले टॉपिक साथ में, तब तक लोगों को नमस्ते दोस्तों।